ऑनलाइन ये आर्टिफैक्ट क्यों आ रहा है? ये कौन सा आर्टिफैक्ट है डॉपलर का? निशान ऐसे अगर है डॉपलर के अंदर ऊपर और नीचे कट हो रहा तो ये कौन सा आर्टिफैक्ट होता है? डॉपलर की जो पल्स वेव होती है कटती है और ऊपर से नीचे आ रही होती है, इसको क्या कहते हैं? नहीं, डॉपलर के अंदर जब इसको सेट भी करते हैं हम, पीआरएफ सेट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? बेसलाइन से कट रहा है और बेसलाइन के ऊपर, समझ आई? मतलब ये पीक्स यहाँ आ रही हैं, जब पीक्स कट के ऊपर भी आ रही हैं, फिर हम बेसलाइन सेट करते हैं और ये पीक्स जो ऊपर आए थे वो नीचे एडजस्ट हो जाती होती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ इसके, जिसको नेकोजेट लिमिट कहते हैं, नेकोजेट लिमिट एक्सीड कर रही होती है, उसके बाद जो है हम इसको कैसे इस आर्टिफैक्ट से, इसको अलाइजिंग आर्टिफैक्ट भी कहते हैं, पढ़ा ना? बोलिए अभी आर्टिफैक्ट यहाँ पे कैसे ठीक करें? ये ऐसे क्यों आ रहा है स्क्रीन ऊपर? पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? अच्छा, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जो भी एक्सरे की हमारे पास फाइंडिंग है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीज फाइंडिंग्स। अब एक जैसी लग रही होती है एक्सरे फिल्म आपके पास आई है, कुछ चीजें हमारे पास इंफ्लेमेशन की तरह कुछ व्हाइट नजर आएंगी, कुछ ब्लैक नजर आएंगी। हाउ वी कैन से कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ये वाली प्रॉब्लम है, तो कुछ कुछ हम लोगों के डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हमने दो डिजीज जब तक पढ़ी थी, दैट वॉज निमोनिया एंड कंसोलिडेशन। बहुत बार क्या होता है, उसके अंदर एयर सैक्स के अंदर जो है वो फिलअप हो जाता है, या तो फ्लूइड का या कोई सॉलिड जो भी सब्सटेंस हो सकते हैं, वो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, वो हेमरेज हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, वो कोई ट्यूमर या कोई मास भी जो है वो जो एरिया है उस जगह को फिलअप कर सकता है, जिसकी वजह से हमें एक्सरेज जो है ना वो एयर सैक्स के अंदर वाइट वाइट से पैचेज जिस तरह नजर आते हैं ना, वो नजर आ सकते हैं। अगर तो एयर सैक्स आर फिल्ड विद फ्लूइड या पस, तो वो क्या कहलाता है? निमोनिया। ठीक है, निमोनिया के अंदर क्या होता है कि आपके जो एयर सैक्स हैं, एल्वियोलाय हैं, जितने भी, वो किससे फिलअप हो जाएंगे? वो फ्लूइड से या फिर हमारे पास पस से। इट्स एन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ी थी इसके अंदर, और इसके अंदर अगर आप इमेज के अंदर देखो तो वो आपको छोटे छोटे से, जिसमें एल्वियोलाय छोटे छोटे से व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आते हैं, बट इट्स इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है, जो हमें व्हाइट नजर आ रहा है, दिस इज लेस देन कंसोलिडेशन। ठीक है, दोनों ही व्हाइट, दोनों ही हमें एक्सरे के ऊपर व्हाइट नजर आती है। ठीक, लेकिन हम कैसे कहेंगे दिस इज कंसोलिडेशन और दिस इज निमोनिया? लेकिन हम निमोनिया को भी ये कह सकते हैं दैट इज देयर आर सम कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक बीमारी नहीं है, वो एक बता रहा है कि ड्यू टू एनी कंसोलिडेशन, सॉलिड सब्सटेंस में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है जिसने रिप्लेस किया है एयर सैक्स के अंदर एयर को विद एनी सब्सटेंस। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं उसमें है फ्लूइड या पस, वो तो निमोनिया है। ठीक है, अब हम इसको भी कंसोलिडेशन कह सकते हैं बिकॉज वाइट अपेरेंस है, लेकिन बेसिकली कंसोलिडेशन ज्यादा सॉलिड होता है। ठीक है, वो उसके अंदर सिर्फ वाटर या पस नहीं होगा, उसके अंदर और भी सब्सटेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा व्हाइट नजर आएगा, ज्यादा सॉलिड नजर आएगा, जिसकी वजह से हमें वो सब्सटेंस जो है वो ज्यादा व्हाइट नजर आ रहे हैं। अब इसकी देखो ब्राइटनेस जो है कंपैरेटिव टू बोन, जिस तरह बोन देखो होती है ना व्हाइट बिल्कुल नजर आती है, उससे थोड़ी सी कम है, उससे ऊपर जहाँ पे एरो नजर आ रहा है ऊपर लंग्स देख रहे हो उसमें व्हाइट व्हाइट पैच नजर आ रहे हैं।
ठीक है, ये क्या, ये नमूनी है, कॉन्सोलिडेशन होगी तो वो जिस तरह बोन्स हमारी व्हाइट नजर आती है सेम वैसे नजर आएगी, एंड वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट से कि उसके अंदर वाटर है, या फिर हम उसके अंदर कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ हम ये कहेंगे कॉन्सोलिडेशन, ठीक है, हम रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे कि ये, फिर फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी, सीटी स्कैन एमआरआई, देन हम कंफर्म उसकी डायग्नोसिस की तरफ उसको रूल आउट कर सकते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम थी, हमें एक्सरे के ऊपर तो कंसोलिडेशन ही नजर आई है व्हाइट, अब वो किस चीज से है वो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में नजर आएगा, ठीक है, कंसोलिडेशन हमने पढ़ लिया था। अब ये देखो कंसोलिडेशन जो है वो व्हाइट हो जाता है, जिस तरह ये लंग नीचे से व्हाइट हुआ हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पैची पैची अपीयरेंस नहीं है, ठीक, राइट लोब निमोनिया, अच्छा पढ़ लिया था, ये राउंड निमोनिया भी पढ़ लिया था जो बच्चों में होता है और इस तरह की राउंड अपीयरेंस दे रहा होता है। यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोगों ने एयर ब्रोंकोग्राम। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको जिस तरह अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी चीज जो कि एल्वियोला है जिसके अंदर क्या होती है एयर होती है उसको रिप्लेस करते तो कंसोलिडेशन या निमोनिया होता है। अगर वही सब्सटेंस हमें व्हाइट जो नजर आ रहा था ब्लैक या डार्कर नजर आना स्टार्ट हो जाता तो उसको कहते हैं एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि एयर ने रिप्लेस कर दिया उस जगह को और वो एयर वैसे नॉर्मली तो होती है लेकिन कंसोलिडेशन जो पीछे हमें व्हाइट नजर आ रहा था सब्सटेंस उसके अंदर ब्लैक नजर आएगा एरिया जिसको हम एयर ब्रोंकोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं और इसकी पिक्चर देखते हैं तो आप क्लियर हो जाएगा। इफ एन एरिया ऑफ अ लंग इज कंसोलिडेटेड इट बिकम डेंस एंड व्हाइट, ये हमने पीछे पढ़ लिया कि उसके अंदर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस आएगा कंसोलिडेशन होगी तो वो डेंस नजर आएगा और हमें व्हाइट नजर आएगा। बट इफ The larger airways are spared, they are of relatively low density, blacker area, जो कि हमें white के अंदर नजर आएगा opposite है वो white, ये black, लेकिन white के अंदर black नजर आएगा, पीछे जिस तरह consolidation हुई हुई है उसके अंदर हमें black black lines या black area नजर आएगा जो कि air bronchogram हमें कहलाता है। This phenomena is known as air bronchogram and it is characteristic sign of consolidation. This is a sign of consolidation. के white substance जो consolidation के अंदर हमें white black color की lines area जो के air का नजर आएगा वो कहलाता है air bronchogram. अगर आप इस picture को देखो ये वाली, ठीक है, ये area आपको सारा white नजर आ रहा है, dense है, consolidation. लेकिन इसके अंदर आप black lines देख रहे हो, ये ब्लैक एरिया वो बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह के पीछे व्हाइट नजर आते हैं, इसके अंदर हमें ब्लैक कलर की लाइंस भी नजर आ रही है, ठीक है। अब इससे फर्दर जितने भी हमारे पास स्लाइड्स है ना वो इसी तरह की मैंने रखी है कि उसके साथ आपको उसकी अपीयरेंस और नीचे जो है पेशेंट क्लिनिकल जो है इंफॉर्मेशन के पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर रहा है ये अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसमें से सिनेरियोज आ सकते हैं कि इफ पेशेंट कंप्लेंट्स विद दिस, ठीक है, और आपको ऊपर उसके अंदर ये चीज नजर आई है तो उसको क्या हो सकता है, ठीक है, ये तीन चार स्लाइड जाके जो है ना ये सिनेरियो बेस्ड ही है। अब इसके अंदर क्या कंसोलिडेशन विद एयर ब्रोंकोग्राम के अंदर हमें नजर कैसे आता है, ऊपर वाला जो आपको बॉक्स है वो आपके रिप्रेजेंटेशन है उस एक्सरे की और नीचे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पेशेंट के वो किस तरह प्रेजेंट कर रहा है और क्या कंप्लेंट्स उसके साथ और क्या डायग्नोस हो सकता है। वो पढ़ते हैं ना यही किसी स्पेसिफिक के अंदर ही होता होगा ना जिसने उसको किया, निमोनिया के अंदर किस तरह होगा पेशेंट जो है वो कफ के साथ आता है आपके पास, इस चीज के साथ आता है, इस तरह पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं और आपको एक्सरेस के ऊपर इस तरह की चीज नजर आ रही हो तो आप ये कहोगे कि इसको एयर ब्रोंकोग्राम है, दिस इज अ डिजीज, दिस इज अ डायग्नोसिस की ये एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है, इस कंप्लेंट्स के साथ आया, ये प्रॉब्लम है और हो क्या रहा है उसके जो एयर सैक्स है वो कंसोलिडेशन के अंदर हमें एयर आ गई, ठीक है, तो वो इस तरह एयर जो है ना उस पूरे हमारे ब्रोंकस सिस्टम जिसे कह सकते हैं वैसे तो नॉर्मल एयर होती है उसके अंदर आपको सॉलिड सब्सटेंस भी और एयर भी नजर आ रही है, ठीक है, तो वो एयर एंड जो डेंस सब्सटेंस है वो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है, तो एयर नेम से ही बता रही है एयर ब्रोंकोग्राम दैट मीन्स एयर एंड वो तो नॉर्मल आप कह सकते हो तो एयर तो होती है उसके अंदर एयर ही होती है और क्या है, ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ कंसोलिडेशन उसकी टाइप है कंसोलिडेशन की उसके साथ जो है हमें नजर आ रहा है। अच्छा द लेफ्ट, अब इस पिक्चर के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है द लेफ्ट मिडल जोन इज व्हाइट, ये वाला ये लेफ्ट साइड है ना नीचे हार्ट है लेफ्ट साइड पे हार्ट है तो ये मिडल जोन जो है दिस इज व्हाइट, डार्क लाइंस थ्रू द एरिया ऑफ व्हाइट आर गुड एग्जांपल ऑफ एयर ब्रोंकोग्राम जो कि आपको ब्लैक कलर की लाइंस इस एरिया में नजर आ रही है दिस वन एंड दिस वन, वो इस इमेज पे आपको इतना क्लियर नहीं नजर आ रही, मेरे पास ज्यादा क्लियर है यहाँ पे कंप्यूटर पे देखोगे ना शायद स्क्रीन के ऊपर इतना क्लियर नहीं नजर आ रही है लाइट की वजह से यहाँ क्लियर, तो आपको इसके अंदर ये ब्लैक कलर की लाइंस यूं करके इसमें जाती हुई फील हो रही है, तो दीज आर, अच्छा क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, द पेशेंट हैड अ हाई टेम्परेचर एंड प्रोडक्टिव कफ, एक तो ये इसके साथ कंप्लेन है प्रोडक्टिव कफ है और हाई टेम्परेचर, ठीक,
डायग्नोसिस क्या है? निमोनिया एंड कंसोलिडेशन विद पस. ये निमोनिया के साथ जो कंप्लेन, ज्यादातर जो कफ प्रोडक्टिव कफ होती है, हम कहते हैं उसको निमोनिया ही हुआ हुआ, क्योंकि निमोनिया के अंदर बहुत ज्यादा उसको कफ रहती है, ठीक है, अलॉन्ग विद द टेम्परेचर. अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कंसोलिडेशन. अब इसके साथ आया है, अब हम उसको क्या क्या रूल आउट कर सकते हैं. अगर हमें उस एक्सरे के ऊपर बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहा है, डेट मीन्स वो तो पस है, ठीक है, या फिर उस अगर लिक्विड उसने रिप्लेस किया हुआ कोई, अगर इन्फ्लेमेशन बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, वो पस नहीं बनी अभी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है, वो हमें लिक्विड लिक्विड नजर आ रहा है, तो उसकी अपेयरेंस व्हाइट से व्हाइट थोड़ी सी कम होगी, बहुत व्हाइट नहीं होगी, लेकिन व्हाइट की समझ लो कि एक शेड नीचे ले आओ तो वो वाला शेड हमें नजर आएगा. फिर जैसे जैसे वो रिप्लेस करता जाएगा सॉलिड सब्सटेंस से, वो उतना व्हाइट होता जाएगा, ठीक है. अच्छा, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? निमोनिया इफ द एयरवेज आर फिल ऑफ पस, ठीक है, ये याद रखना. कैंसर एयरवेज फिल ऑफ सेल्स, वहां पे हम लोगों को कोई सॉफ्ट टिश्यू मैस नजर आ सकता है, ठीक है, कैंसर सेल्स हो सकते हैं. पल्मोनरी हेमरेज एयर फिल्स ऑफ ब्लड, ठीक है, वो ब्लड के साथ उसने हेमरेज है, हेमरेज उसका जो एल्विओली है दैट विल बी फिल अप ऑफ ब्लड, एंड देन पर एडिमा है एयर फिल्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है. अच्छा, ये भी अब चार एग्जांपल है. इफ आई आस्क के जो एयरवेज है दैट इज फिल्ड विद ब्लड तो क्या कहलाता है, ठीक है, अगर जो है एयर फिल्स विद फ्लूइड तो वो क्या है, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, एयर जो एल्विओली है अगर वो फिल अप हो रहे हैं पस के साथ तो दिस इज निमोनिया, ठीक है. अगर वो किसी सेल्स या कुछ मैस नजर आ रहा है और वो कंसोलिडेशन की तरह नजर आएगा, इट्स अ मैस, मैस सॉलिड होता है, तो वो हमें कैसे नजर आ सकता है, दैट विल बी अ कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन लिख लो या कैंसर लिख लो, सेम आंसर होगा, ठीक है. कंसोलिडेशन इज द अपीयरेंस, और जो मैस है वो तो आप बता रहे हो कि कैंसर है कोई, वो आप उसको बता सकते हो कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है और उसका, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल थी उसकी कि ये आपको ये नॉर्मल एरिया नजर आ रहा है, तो लेफ्ट साइड के अंदर मिडल लोब के अंदर ये वाइट एरिया अलॉन्ग विद द ब्लैक लाइंस इन बिटवीन द कंसोलिडेशन, दिस इज एयर ब्रोकोग्राम. अब नेक्स्ट है यूनिलेटरल मिडल जोन एबनॉर्मेलिटी. अब यूनी है, ठीक है, एक साइड पे आपको मिडल लोब पे देखो तो मैंने एरर, एक साइड ठीक है क्लियर है, और एक साइड पे आप देख रहे हो अंदर की तरफ को वाइट हुआ हुआ है, नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है यहां से और ये इस तरफ, तो दैट मीन्स देयर इज अ यूनिलेटरल, मतलब एक साइड पे मिडल जोन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक. अब वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, द मिडल जोन आर एसिमेट्रिकल, एक साइड पे व्हाइट कलर के अंदर की तरफ को वो हुआ हुआ है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है वो हम देखते हैं कि क्या हो सकती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और दूसरी साइड पे अब हमें क्या नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे बिल्कुल क्लियर है ये वाला एरिया, इसी जगह पे एसिमेट्री है, ठीक है, दोनों एरिया को अगर कंपेयर किया जाए. देयर इज अ स्मॉल इररेगुलर ओपेसिटी ऑन द राइट साइड, दिस वन स्मॉल इररेगुलर ओपेसिटी ऑन द राइट साइड बिकॉज लेफ्ट साइड इज क्लियर, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. दिस ओपेसिटी कंटेन्स अ डार्क एरिया एंड दैट इज द कैविटी. अब वो कैविटी है कोई, कोई डार्कर एरिया है, आप समझ आ रही है ना कि बिल्कुल वाइट है, दैट मीन्स वो एक एरिया उसने कोई कैविटी को फिलअप किया हुआ है, क्या है और सॉलिड है, वाइट नजर आ रहा है, क्या हो सकता है वो आप देखते हैं अभी, क्या हो सकता है उसके. अदर एरियाज ऑफ द लंग्स आर नॉर्मल, जो कि हमें नजर आ रहे हैं. अच्छा, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इस तरह अगर है, दिस पेशेंट हैड अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज एंड प्रेजेंटेड विद अ हाई फीवर. एक तो हाई फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा, अगर हिस्ट्री ले रही है, ली है तो वो इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं ना, जो इंजेक्शन लगा लगा के, और उसमें जो वो उसकी हिस्ट्री थी. अब उस हिस्ट्री के साथ अगर पेशेंट है, अगर मैं कोई भी इस तरह दे दूं कि भाई ये एक बंदा था, वो इस तरह आपको बैठा हुआ मिला है और वो इंजेक्शन लगा रहा है, जैसे को हम कहते हैं जहाज, ठीक है, अपनी जुबान में जो रोडों के किनारे बैठे होते हैं, ठीक है, वो भी इंट्रावेनस ही हो गया, इंजेक्शन लगा लगा के ड्रग्स ही ले रहे होते हैं ना, ठीक है, और उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, एक्सरे करवाया उसका यूनिलेटरल, इस तरह की कंसोलिडेशन है, इस तरह की हम लोग को डेंसिटी नजर आई है और एक लोब में नजर आई है, तो क्या डायग्नोसिस होगा, दिस इज अ सेप्टिक एम्बुलस, ठीक है, डायग्नोसिस ये हो गया. डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके अलावा क्या हो सकती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब पता ना कि वो चीज उस जैसी लग रही है तो हम क्लियर नहीं है कि दैट मीन्स ये भी हो सकता है उसको, ठीक है, तो लंग एब्सेस भी, लंग कैंसर भी, सेप्टिक एम्बुलस, फंगल इन्फेक्शन एंड ग्रैनुलोमेटस, ये जिसके अंदर सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसका ये मतलब है इन सारे का कि ये कोई सेप्टल डिजीज है, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या उसकी वजह से उसके अंदर कोई इस तरह की एयर लोब को एसिमेट्रिकली उसने कवर्ड किया है, ठीक है. अगर कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसने उस एरिया को एबनॉर्मेलिटी आपको नजर आ रही है और एसिमेट्री है, एक साइड क्लियर है और एक साइड पे आपको इस तरह की कैपेसिटी छोटी सी राउंड सी नजर आ रही है
और वो कोई एक समझ लें क्या कैविटी के तरह हमें शो कर रही है, दिस अ कैविटी, तो क्या होगा वो एक सेप्टिक क्या है, एम्बुलस, एम्बुलस क्या होता है, एम्बुलाई क्या है, थ्रोम्बस जो है वो डिस्पैच होके ब्लड के अंदर जो है वो, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, वो थ्रोम्बस जो है वो ट्रेवल करके इधर आ गया है और उसने एक कैविटी के अंदर एक एक सॉलिड जो भी एम्बुलाई है, ठीक है, वो एम्बुलाई कुछ भी हो सकता है, ठीक, वो ब्लड के अंदर ट्रेवल करता करता उसने इस तरह की अपीयरेंस कैविटी के अंदर शो की है, यूनिलेटरल एक साइड पे, ठीक है। अगली एबनॉर्मेलिटी है बायलेटरल एबनॉर्मेलिटी। अब उसके अंदर बायलेटरली अब आप देखो, अगर पहले लंग को देखो तो इसके अंदर आप देख रहे हो किस तरह की अपीयरेंस है, पैची पैची पूरे लंग को उसने कवर किया हुआ है। बायलेटरल एबनॉर्मल लंग लो, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल बायलेटरल लंग नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से, जिसने कवर किया है दोनों साइड्स को, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, एसिमेट्रिकल थी, ठीक है। यूनिलेटरल और बायोलेटरल के अंदर ये फर्क है, अगर बायोलेटरल है कोई प्रॉब्लम कोई एबनॉर्मेलिटी तो वो सिमेट्रिकली दोनों में होगी, जिस तरह का एरिया एक लंग में है दूसरे में भी उसी तरह का एरिया, उसी एरिया को उसने उसी लोब को कवर किया होगा। मोर नोड्यूल्स एट द लंग बेसिस, बेस कौन सी होती है और एपेक्स कौन सी होती है लंग की, ऊपर वाली कौन सी है और नीचे क्या है, बेस कौन सी, बेस नीचे के ऊपर है, ये बेस है और इसको क्या कहते होते हैं, ये जो एपेक्स है, ठीक है, एपेक्स है। तो बेस के अंदर देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे नोड्यूल्स ज्यादा है, इधर भी नोड्यूल्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ जाते जाओगे एपेक्स की तरफ तो नोड्यूल्स कम होते जाते हैं। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ पेशेंट कंप्लेन्स ये है, ठीक है। वेट लॉस एंड क्लिनिकली सस्पेक्टेड अंडरलाइंग मैलेग्नेंसी, डेट मीन्स अगर उसको कोई और मैलेग्नेंसी है, कोई क्या कह सकते हैं, जिसके अंदर मेट्स बनना शुरू हो गए हैं लंग के अंदर, जब मेट्स बन सकते हैं ना तो वो इस तरह की अपीयरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको कोई और ट्यूमर है, कोई और मैलेग्नेंसी है, ठीक है, ब्रेस्ट का है कैंसर, उसको कोई और जगह का कैंसर है, जिसके मेट्स जो है वो लंग्स में अगर चले गए तो लंग्स में ऐसी अपीयरेंस नोड्यूलर अपीयरेंस देगी सिमेट्रिकली, ठीक है। डैट मीन्स अब उसके लंग्स भी जो है, इस पेशेंट का बचना क्या हो? बच सकता है, ऑब्वियसली मैलेग्नेंसी और उसने वाइटल आपके ऑर्गन्स को जो है ना वो करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल वाइट आपके लंग्स, पहले किस किस को ठीक करोगे, ब्रेन में चला जाएगा मेट्स, ठीक है, ब्रेन प्रॉपर उसमें से सर्जरी करके उसको रिमूव करोगे, उधर जाओगे जहां जहां ब्लड आप मूव कर रहा है और जो है ना उसने फिर हर वाइटल ऑर्गन को जो है वो डैमेज करना ही करना है, तो मेट्स जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट जो है वो फिर रिकवर कर सके, ठीक है। एक जगह पे हो गया है मेट्स, जिस तरह कोई थी मेरी एक जानने वाली, उनको था ब्रेस्ट कैंसर हुआ लेकिन वहां से मेट्स सीधा ब्रेन में चला गया, उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई, शुक्र है कि वो और कहीं अभी नहीं गया था, वो मेट्स एक ही जगह ब्रेन में गया था अभी, तो ब्रेन की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है उनको, तो वहां से मेट निकाल लिया और उसके बाद नहीं फिर कभी फैला, ठीक है, वरना अगर देर हो जाती तो ब्रेन के बाद कोई और उसने लंग्स को कवर कर लेना था, लिवर के अंदर चला गया, ठीक है, फिर इस तरह अगर वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान का जो है ना रिकवर करना, तो अगर तो जल्दी क्लिनिक, इसीलिए डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली डायग्नोस कर सकते हो तो अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है हर चीज का, तो आप डायग्नोसिस वाले हो सारे, ठीक है, तो जितनी जल्दी पेशेंट अर्ली डायग्नोस, कोई भी अबनॉर्मेलिटी आपको मिल रही है, इवन मैं हर एक को कहती होती हूँ एनुअल, या आपने कहीं किसी को गिल्टी भी फील हो रही है ना बॉडी के अंदर, तो डोंट टेक इट लाइट, कोई भी एक लंप है कहीं भी जगह है, हम लोग कहते कोई नहीं है लंप ही है ना छोटा सा है, कि कई दफा मैंने किसी को देखा यहाँ पे जी हाथ पे, मैंने स्टूडेंट भी एक होती थी वो, लेकिन था वो गैंग्लियो नहीं था, लेकिन कोई भी लंप फील हो रहा है बॉडी में कहीं पे भी, डोंट टेक इट लाइट, वो अगर आप अर्ली डायग्नोज उसका कर सकते हो, ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो अगर कोई और लंप भी पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये अल्लाह ताला की मैं कहती हूँ हम लोगों के लिए इतनी बड़ी, वो क्या है कि हमें उसकी सिम्टम्स पहले याद, कोई भी ऐसी बीमारी है अल्लाह, कोई बीमारी हो और उसका सिम्टम्स ना हो, अंदर ही अंदर वो बीमारी और खत्म हो जाए, किसी को बुखार हो जाता है डैट मीन्स कोई बीमारी है ना उसको, किसी को भी कोई अपीयरेंस आना शुरू हो गई है उसकी इस तरह की, कोई लंप फील हो रहा है कुछ, किसी को क्या हो रहा है, तो मीन्स के अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट, और अर्ली डायग्नोस कर लिया तो अर्ली ट्रीटमेंट और रिकवर भी हो सकता है उसे। अच्छा, बायलेटरल एबनॉर्मल लंग्स और इस तरह के आपको पैची नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं और पूरे उसने कवर किया हुआ है लंग्स को, तो दिस मे बी ऑफ ब्रेस्ट सॉरी अदर मैलेग्नेंसी लंग्स, किसी के भी लंग्स के कोई भी मेट्स जो है ना वो इसमें आके इस तरह की अपीयरेंस दे सकते हैं। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पूरा लंग्स को कवर किया हुआ है, ऑब्वियसली उसको सांस लेने में मसला हो सकता है, उसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। क्लिनिकल सस्पेक्टेड अंडरलाइंग मैलेग्नेंसी और डायग्नोसिस क्या है, पल्मोनरी मेटास्टेसिस, ये मेट्स है सारे नोड्यूल्स इस तरह के।
अच्छा यूनिलेटरल एक साइड पे वो व्हाइट नजर आया था, अब यूनिलेटरल अगर एक साइड पे ब्लैक एरिया नजर आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये भी एसिमेट्रिकल है बिकॉज इट्स अ यूनिलेटरल, लेफ्ट डार्कर देन राइट, ठीक है, ये वाला एरिया डार्क है और ये वाला एरिया थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर ज्यादा क्लियर है, उसके ऊपर इतना क्लियर नहीं मुझे नजर आ रहा मल्टीमीडिया की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये एरिया जो लोअर जोन है ना ये ज्यादा ब्लैक है, ठीक, और ये वाला एरिया। अब एक साइड ज्यादा ब्लैक है, पहले एक साइड जो थी व्हाइट थी तो वो क्या कहला रहा था, एम्बुलस था कैविटी के अंदर। अब इसके अंदर एक साइड जो है यूनिल आपको नजर आ रहा है और वो ब्लैक नजर आ रहा है तो वो यूनिलेटरल लोअर ब्लैक जोन, और इसके अंदर क्या हो गया, लंग हाइपर एक्सपेंशन भी हुई हुई है, ठीक है, एक्सपेंड हुआ हुआ है। वो कैसे पता चलता है आगे मैं ना इसके वो मार्जिन बताती हूँ होते किस तरह के, अगर उस तरह के मार्जिन नजर नहीं आ रहे हैं डेट मीन्स उसने एक्सपेंड किया हुआ है, लंग एक्सपेंडेड है। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, क्रॉनिक स्मोकर विद इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ये क्रॉनिक स्मोकर है, ठीक है, स्मोकर के अंदर जो है वो इस तरह आप स्मोकिंग क्या होती है वो भी एक क्या कह सकते हैं गैस, वो क्या है धुआं ही है ना, वो क्या है वो कोई सॉलिड चीज तो नहीं, वो क्या धुआं ही अंदर लेकर जा रहा है, और वो क्या करेगा आपका जो एरिया जो नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर भी तो ब्लैक नजर आती है लेकिन और धुआं हम अंदर उसके जा ही जा रहा है तो वो एरिया किस तरह नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैक, और ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और एक नॉर्मल एयर के अंदर तो और ज्यादा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वो सारी चीजें जो होती हैं और वो हमारे पास गंदा धुआं अंदर जा रहा है सारा, तो वो भी एक एयर ही है तो वो क्या करेगा, वो और ज्यादा हमें ब्लैक कर एरिया। स्मोकर्स का जो है ना इस तरह की सिर्फ एक स्मोकर ही है सिर्फ, तो वो इस तरह के एरिया पहले ब्लैक होना स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। तो क्रॉनिक स्मोकर है विद इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑब्वियसली जब भी कोई लंग की डिजीज इसके अंदर भी हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सब में ही होगी, क्योंकि लंग जब इन्वॉल्व होते हैं तो एक सिम्टम तो आता रहता है कि एक तो कफ और एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये लंग की प्रॉब्लम में एक सिम्टम है ये। डायग्नोसिस क्या, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विद द लार्ज लेफ्ट लोअर जोन लंग बुल्ला, ठीक है, दैट मीन्स ये रिप्लेस कर दिया है विद एयर या फिर वो स्मोकर्स की जिस तरह वो जितनी भी वो भी एयर ही होती है वो जो उसने रिप्लेस कर दिया। अब आज ये तो लंग की डिजीज, अब प्लूरल डिजीज, प्लूरल डिजीज क्या होगी, लंग प्लूरा जो है जिसने सराउंड किया हुआ है लंग को, एक समझ दो कवरिंग है बाहर वाली साइड पे और अंदर लंग है, उसके दरमियान में कुछ स्पेस होगी, प्लूरल स्पेस जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं और वो हमें क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। द प्लूरा ओनली बिकम विजिबल व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट, प्लूरा एबनॉर्मेलिटी कैन बी सबटल एंड इज इंपॉर्टेंट टू चेक केयरफुली अराउंड द एज ऑफ ईच लंग वेयर अ प्लूरा एबनॉर्मेलिटी इज यूजुअली मोर इजीली सीन, ठीक है, आपने केयरफुली जब भी देखना है एक्सरे को तो उसके मार्जिन्स को जहाँ पे पूरा सारी सराउंड उसके लंग को जिसने सराउंड किया हुआ है उस एरिया को देखना जरूरी होता है। नॉर्मली तो अभी हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, प्लूरा के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो देखते हैं किस तरह नजर आती है। सम डिजीजेस ऑफ द प्लूरा कॉज प्लूरल थिकनिंग एंड अदर्स लीड टू फ्लूइड और एयर गैदरिंग इन द प्लूरल स्पेस। अब स्पेस है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एयर भी आ सकती है, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्लूइड भी आ सकता है, ठीक है, स्पेस के अंदर, तो वो एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती है, या एयर होगी या उसके अंदर फ्लूइड होगी। अगर उसके अंदर एयर आ गई, नेम से बता रहा है नीमोथोरक्स, नीमोथोरक्स का वर्ड आपने सुना ही होगा, तो प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर आ गई तो दैट मींस नीमोथोरक्स। नीमोथोरक्स फॉर्म व्हेन देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन द प्लूरल स्पेसेस, दिस मे अकर स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरलाइंग लंग डिजीज। द मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा विद अल्सरेशन ऑफ द विस्ट्रल प्लूरा बाय द फ्रैक्चर्ड रिब। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्चर हुआ है या ट्रॉमा है, फ्रैक्चर की वजह से आउटसाइड से एयर उस प्लूरल कैविटी के अंदर आ गई, ठीक है, और यहाँ फिर उसके अंडरलाइन कोई लंग की डिजीजेस थी जिसने क्रॉनिक स्टेज में आके पूरा को भी जो है ना इन्वॉल्व कर लिया है, और उसके अंदर फिर स्पेस, वरना स्पेस कहाँ से आएगी प्लूरल, या तो आउटसाइड इज ट्रॉमा। इफ आई आस्क पेशेंट की ये कंप्लेंट की ट्रॉमा हुआ, रिब लंग जो है ना रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, और हमें ब्लैक उसके नजर आ रहे हैं बॉर्डर, what it will be, black is air, this is pneumothorax. If a lung edge measures more than 2 cm, अब ये हम लोगों को उसकी findings में जब एक्सरे की आती है तो जो edges है साइड पे प्लूरल के, if it is more than 2 cm that means प्लूरल cavity thickening हो रही है, ठीक है, 2 cm से ज्यादा, from the inner chest wall at the level of hilum it is said to be large. If there is trachea या mediastinal shift away from the pneumothorax, the pneumothorax is said to be under tension. This is medical emergency. That means के plural cavity इतनी ज़्यादा उसने air इतनी ज़्यादा कि उसने जो उसके structures हैं उनको push करना start कर दिया, जो mediastinum है वो थोड़ा सा away हो गया अपनी जो जिस जगह पे है,
दैट मीन्स एयर इतनी ज्यादा, दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, अब इमरजेंसी है इसके कि वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है. दिस इज द अपीयरेंस ऑफ न्यूमोथोरेक्स. अगर आप देखो तो इसके अंदर यहाँ पे रिब फ्रैक्चर, इसके अंदर क्लियर नजर आपको शायद ना आए, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ ये बता रहा है येलो जो है ना, इसको आप जब अपने पास खोलोगे येलो जो है ना ये एरिया, यहाँ पे यहाँ ये फ्रैक्चर है, यहाँ बोन टूटी हुई है, ठीक है. यहाँ पे ये नीचे प्रॉपर डायग्नोसिस बताया हुआ है, इसके अंदर आपको नजर ये दिस इज द फ्रैक्चर, और नीचे जहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना ब्लैक, ओहो इसको क्या हो गया, ये जो एरिया नीचे भाग रहा है, मतलब भाग मैं हिलाती नहीं माउस को, ठीक है. तो वो येलो एरिया जो बता रहा है ना, दिस इज द फ्रैक्चर, जहाँ पे ये जो अब आप क्लियरली अपने पास देखोगे तो ये मेरे पास तो क्लियर नजर आ रहा है, अगर उस पिक्चर को देखो तो वहां से ना टूटी हुई है रिब, ठीक है. एक तो फ्रैक्चर हो गया, दूसरा जो ब्लू कलर की नीचे लाइन नजर आ रही है ड्यू टू फ्रैक्चर, उस एरिया में सिर्फ ब्लैक सी लाइन नजर आ रही है, दैट मीन्स वो फ्रैक्चर की वजह से एयर वहां से प्लूरा कैविटी के अंदर आ गई है, ठीक है. एंड फ्रैक्चर के साथ अगर एयर नजर आ रही है तो दिस इज न्यूमोथोरेक्स. विजिबल प्लूरा एज ब्लू लाइन, ठीक. लंग मार्किंग नॉट विजिबल बियॉन्ड दिस एज. क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन क्या है उसका, हिस्ट्री थी कि वो ट्रॉमा है, गिरा है कहीं फॉल फ्रॉम द हाइट. डायग्नोसिस क्या होगी, लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स ड्यू टू रिब फ्रैक्चर, एंड द ट्रेकियन मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स आर नॉट डिस्प्ले सो देयर इज नो टेंशन. प्रॉपर सारी चीजें नजर आ रही है, एक ही फ्रैक्चर था उसके अराउंड ही एयर और ब्लैक नजर आ रही है, दैट मींस ड्यू टू ट्रॉमा उस स्पेसिफिक एरिया में एयर इंट्रोड्यूस हो गई है, तो वो हमारे पास न्यूमोथोरेक्स कहलाती है. प्लूरल थिकनिंग, अब प्लूरल थिकनिंग और किसी वजह से क्या हो सकती है, प्लूरल थिकनिंग इज बेस्ट सीन एट द लंग एजेस विद द प्लूरा रंग्स टेंजेंशियली टू द एक्सरे बीम. अब इसके अंदर क्या है, इस फिल्म को देखो और इस फिल्म को देखो तो ये वाला एरिया जो है ये सारा वाइट हुआ हुआ है, दैट मीन्स ये कोई फ्लूड आ रहा है प्लूरल कैविटी के अंदर, इसी तरह का वाटर होता है ना नजर, और लेवल आ रहा है, ठीक है. वरना कंसोलिडेशन हो तो वो इस तरह, वो तो एक जगह पे पैस नजर आ, ये तो पूरा इधर से भी उसने कवर्ड किया हुआ है, दैट मीन्स उसकी जो साइडों की प्लूरल कैविटी है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा फ्लूड आ गया है, तो वो फ्लूड जो है क्या कहला रहा है, प्लूरल थिकनिंग की वजह से ये हमारे पास ये इस तरह जो ब्लू एरिया ये सारा इस तरह नजर आ रहा है. देखो दूसरा लंग ठीक है, ये वाला जो व्हाइट होके ये नीचे वाला जोन भी उसने कवर्ड किया, ठीक है. ये यहाँ पे और यहाँ पे बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है, मैं एक जगह इस तरफ देखती हूँ तो मुझे इतना क्लियर नहीं नजर आता, तो आपके पास इधर जब खोलोगे तो इमेजेस क्लियर होंगे, मल्टीमीडिया पे क्या प्रॉब्लम है. अच्छा इसकी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, राइट साइड चेस्ट पेन, हिस्ट्री ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर, बायोप्सी रिजल्ट. अब इसकी बायोप्सी जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, कंसोलिडेशन की वजह से भी, लेकिन हमें इतना थोड़ा आइडिया जरूर हो रहा है कि दिस इज ड्यू टू द प्लूरल कैविटी, प्लूरा के अंदर कोई सॉलिड चीज है, एयर नहीं है, कोई फ्लूड ही हो सकता है, तो दिस इज प्लूरल थिकनिंग. एंड वी डोंट नो कि वो प्लूरल थिकनिंग किस स्पेसिफिक डिजीज की वजह से, वी जस्ट से कि दिस इज द प्लूरल थिकनिंग, ठीक है. अगर ये इमेज दे रही हूँ तो यू से कि ये क्या, इसके अंदर और इसके अंदर बहुत डिफरेंस है दोनों की प्लूरल कैविटी के अंदर, ये नॉर्मल है एंड दिस इज एबनॉर्मल एंड दिस इज प्लूरल थिकनिंग. And this is due to effusion. Effusion is, ठीक है, वो एयर था, इसके अंदर क्या आ गया, फ्लूइड आ गया, तो प्लूरल इफ्यूजन इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस. ये नहीं चाह रहा, कह रहा जल्दी जल्दी आ गया आगे चलो, ठीक है. फ्लूइड गैदर्स इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट पोजिशन. इफ द पेशेंट इज अपराइट, अच्छा अब फ्लूइड है, जिस तरह हम लोग गॉल ब्लैडर की पोजिशनिंग चेंज करते हैं ना, इसके अंदर भी अगर थोड़ी सी पोजिशनिंग चेंज करके देखो तो फ्लूइड लेवल थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ सकता है. खड़े करके देखो फ्लूइड नीचे चला गया, ठीक है, और वहां पे हमें वाइट एरिया नजर आ रहा है, ठीक है. अगर उसका लिटा के कंफर्म करना है, एक व्यू और ले लो तो वो फ्लूइड पूरा यूं करके पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं दिस इज अ फ्लूइड जो कि ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है. पेशेंट पोजिशनिंग की वजह से वी कैन डायग्नोज इट कि ये कोई फ्लूइड है जो कि ट्रेवल भी कर रहा है, और मूवमेंट की वजह से हमें उसकी चेंज नजर आ रही है. इफ द पेशेंट इज अपराइट व्हेन द एक्सरे इज टेकन देन फ्लूइड विल सराउंड द लंग बेस फॉर्मिंग अ मेनिस्कस साइन और कॉन्केव लाइन. अच्छा मेनिस्कस साइन जो है इसको याद रखना, व्हाट इज मेनिस्कस साइन इन द लंग, दिस इज अ फ्लूइड विच सराउंड द लंग बेस फॉर्मिंग अ कॉन्केव लाइन. कॉन्केव लाइन अगर आपको नजर आ रही है तो दिस इज मेनिस्कस साइन कॉन्केव, ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर के अंदर, फ्लूइड की वजह से उसकी कॉन्केव लाइन नजर आ रही है, तो दिस इज द मेनिस्कस साइन ऑफ द लंग. कॉन्केव लाइन ऑब्स्क्योरिंग द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड पार्ट
और ऑल ऑफ द एमिडा. इफ द पेशेंट इज सुपाइन देन अ प्लूरल इफ्यूजन, उसको लिटा दो उसी, अगर इरेक्ट में किया था एक्सरे उसको लिटा दो तो जो फ्लूइड होगा क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन लेयर्स अलोंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड बिकम डिफिकल्ट टू सी ऑन चेस्ट एक्सरे, बिल्कुल उसमें पीछे की तरफ को चला गया. ठीक है, लिटाओ तो फ्लूइड ऊपर चला गया. तो दिस इज द एक समझ लो कि कंफर्मेशन डायग्नोसिस है कि आप उसकी पोजिशनिंग चेंज करके एक और व्यू ले लें. ठीक है, दिस इज मेनिस्कस साइन, कनकेविटी अलोंग विद द इफ्यूजन. इफ्यूजन लोअर बेस पे, बेस पे सारा इफ्यूजन जमा हुआ हुआ है, ठीक है, फ्लूइड है, और ऊपर जो है हमें लोअर बेस पे कनकेविटी लाइन, कनकेविटी नजर आ रही है. तो दिस इज द मेनिस्कस साइन. ये आप देखो इसके अंदर कि एक लंग ठीक है, दूसरे लंग का उसने लोअर लोब पूरा इसके अंदर इफ्यूजन हुई हुई है और कनकेविटी है. ठीक है, कंसोलिडेशन भी तो वाइट नजर आती है बट वो इस तरह नहीं, अगर कनकेविटी नजर आ रही है तो उसके अंदर आप समझ लो कोई फ्लूइड है. दिस इज द मेजर डिफरेंस. याद रहेगा कि कंसोलिडेशन भी वाइट नजर आ रही है, प्लूरल इफ्यूजन भी वाइट नजर आ रही है, डिफरेंस क्या है, इफ्यूजन के अंदर वो लेवल पूरा इस तरह जिस तरह फ्लूइड नजर आता है और कनकेव नजर आएगा क्योंकि उसने पूरे एरिया को नीचे फ्लूइड नजर आ रहा है. कंसोलिडेशन तो कहीं नहीं हो सकती है, थोड़ा सा समझो ये एरिया वाइट है तो इस तरह से थोड़ा सा डार्क एरिया भी नजर आ सकता है. तो कंसोलिडेशन इस एरिया को हुई हुई है, इस एरिया को हुई हुई है, बट अगर पूरा एक ही जैसा लेवल नजर आ रहा है अलॉन्ग विद दिस मेनिस्कस साइन दैट इज द कनकेविटी लाइन, तो प्लूरल इफ्यूजन. ठीक है, इसकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग स्मोकर है, वेट लॉस इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायग्नोसिस क्या है, प्लूरल इफ्यूजन, अंडरलाइंग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. ठीक है, अब ये देखो राइट अपर लोब कोलैप्स, खुद ही ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, ये लोब इतना सा ही हुआ है और इस तरफ सारा आपको कुछ और नजर आ रहा है. दिस इज द कोलैप्स, कोलैप्स हुआ है, और कौन सा लोब है, राइट साइड का अपर लोब जो है वो कोलैप्स हुआ है. A horizontal fissure white line has been displaced upward from its original position. Dense opacification of the medial part of the right upper lobe, enlargement of the right hilum. इसमें क्या clinical smoker, वही cough, shortness of breath और smoker के अंदर हर है. But आपको image देखने आने चाहिए कि ये image clinical information जो है उसमें patient की ज्यादातर की यही होगी, cough होगा, shortness of breath होगी, lung involved है तो ये complaints होंगी हर एक के अंदर. तो वो आप इमेज देख के कंफर्म कर सकते हो कि इसको प्लूरल इफ्यूजन है, इसका कोलैप्स हुआ वाला, इसकी प्लूरल थिकनिंग है, इसके एयर ब्रोंकोग्राम में एयर आ गई है, या इसको निमोथोरेक्स है. ठीक है, यही तो तीन चार चीजें और नाम से ही आप बता रहे हैं, निमोथोरेक्स इज एयर, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन इज फ्लूइड, ठीक है, एयर ब्रोंकोग्राम है, ब्रोंकोग्राम के अंदर जो आगे ब्रोंकस का पूरा सिस्टम आता है उसके अंदर एयर के जो है ना हमें वाइट के अंदर ब्लैक लाइंस नजर आ रही है. तो यू कैन डिफरेंशिएट ऑल दीज ऑन एक्सरेज. अब एक्सरेज की अगर फिल्म के अंदर हो तो ठीक है ना मानना, ठीक है, इन्हीं में से दूंगी मिलती जुलती. ये देख रहे हो ऊपर लोग जो था इस तरह का कोलैप्स हुआ और ये वाला एरिया हमें नजर आ रहा था. अच्छा, इसके बाद हमें हाइपर एक्सपेंशन, एक्सपेंड हुआ वाला कैसे, हमें ये जो यहाँ पे कॉस्टोफ्रेनिक मार्जिन नजर आते थे ना वो यूं करके थोड़ा सा समझ लो यूं करके आते थे, नीचे डायफ्राम का ना डोम नजर आता था, ये डोम. अब ये डोम इतना क्लियर नहीं नजर, डोम पूरा डोम नहीं बना रहा, सीधा सीधा हुआ हुआ. ठीक है, दैट मीन्स लंग्स नीचे की तरफ को उसने उसके प्रेशर की वजह से उसने डोम को नीचे की तरफ को कर दिया. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, इतने ज्यादा लंग्स एक्सपेंड हो गए. हमें एक चीज से पता चलेगा, हम उसके मार्जिन्स देखेंगे जो नीचे है मार्जिन्स. ठीक है, उसकी डोम अगर बिल्कुल स्ट्रेट हुई हुई है, जो आपको कर्व एक डोम का नजर आता है उसका डायफ्राम का, वो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, दैट मीन्स लंग्स की प्रेशर, लंग की वजह से उन्होंने जो डोम है उसको नीचे की तरफ को पुश कर दिया और हमें स्ट्रेट या थोड़ा सा कर्व नजर आएगा. और इसके एजेस देखो तो ये ब्लंट नजर आएंगे. तो दिस इज द डायग्नोसिस टू से के ये दिस देयर इज अ लंग एक्सपेंशन. और इसके अंदर क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, क्या डॉक्टर होगा, हाँ ठीक है, एयर ज्यादा आ गई है, एक तो लंग ऐसा नजर आएगा और दूसरा ये कि हमने उसके नीचे मार्जिन देखे हैं. ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो बोथ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स आर ब्लंट ड्यू टू लंग एक्सपेंशन. दूसरा क्या है, हेमी डायफ्राम्स आर फ्लैटेंड इंडिकेटिंग हाइपर एक्सपेंशन, क्योंकि वो फ्लैट हो गए, डोम जो थी वो नीचे की तरफ थे. द लंग मार्कर्स आर डिस्टॉर्टेड बायलेटरली. और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में स्मोकर, क्रॉनिक लिवर डिजीज. अच्छा, लिवर डिजीज के अंदर भी क्या होता है कि जो ऊपर नीचे लिवर पड़ा हुआ उसके अंदर भी कुछ ये जो है ना लंग्स है ना उसके अंदर एक्सपेंड होता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज के अंदर होते हैं. ठीक है, डायग्नोसिस क्या हो सकती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अंडरलाइंग एल्फा 1 एंटीबॉडी डेफिशिएंसी. ओके, दूसरा क्या आ गया, नीमो आ गया, नीमो पेरिटोनियम. अब पेरिटोनियम कैविटी कौन सी होती है, किस जगह में होती है, एब्डोमेन की पेरिटोनियम कैविटी है ना. अब उसके अंदर क्या है, एयर, वो कैसे हमें पता चलेगी.
अगर आप इस पिक्चर को देखो तो नीचे हमें यहाँ पे दोनों साइडों पर डायफ्राम नजर आते हैं व्हाइट कलर के, और हमें और कोई चीज नजर नहीं आती है नीचे अगर एक्सरे के अंदर देखें तो। अगर आप देखो तो इस डायफ्राम ये व्हाइट लाइन के नीचे हमें ब्लैक एरिया भी नजर आ रहा है, दिस इज लिवर। लिवर और जो डायफ्राम है वो हमें साथ ही अटैच नजर आते हैं, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं नजर आती नॉर्मली, ठीक है। लेकिन ये देखो डायफ्राम व्हाइट और नीचे लिवर, उसके अंदर ब्लैक लाइन, ठीक। इस साइड पर देखो ये नीचे बॉवल और ऊपर राइट लाइन जो है डायफ्राम की, और उसके अंदर ब्लैक हमारे पास स्पेस नजर आ रही है, ठीक है। इस ये क्या है हमारे पास, दिस इज पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एयर है, ठीक है। पूरे एब्डोमेन जो है हमारा पेरिटोनियम कैविटी है, उसके अंदर अगर एयर नजर आ रही है तो एक्सरे के ऊपर किस तरह नजर आएगी, वो जो डोम है डायफ्राम के वो ऊपर, और जो स्ट्रक्चर है जो एक साइड पर लिवर है, नॉर्मली क्या होता है लिवर बिल्कुल डोम के साथ ही अटैच होता है, हमें उसके अंदर स्पेस नजर नहीं आती है, ठीक है। और दूसरी साइड पर बोवल गैस बोवल होती है, और वो भी बिल्कुल डायफ्राम के साथ इस तरह होती है, उसके अंदर भी हमें स्पेस। दोनों साइडों पर अगर हमें ब्लैक कलर कलर की लाइंस नजर आ रही है तो दिस इज नीमो पेरिटोनियम, ठीक है। इसके क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन देख लो, ये इसके अंदर ये बताया गया कि क्या चीज नजर आती है, जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन और डायग्नोसिस क्या होगी, नेमोपेरिटोनियम, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट देखो कितना बड़ा हुआ, ठीक है। जब आपको एक्सरेज दिए जाते हैं ना, हमारे सर अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, इतने वो ज़ईफ थे ना, वो कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट के भी रेडियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर नईम शायद आप लोगों ने तो नहीं, आप तो बहुत छोटे हो भी नाम नहीं सुना, लेकिन कहते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट में सबसे ज्यादा नाम जो है ना डॉक्टर नईम का ही है। वो इतने बूढ़े हो चुके हुए थे, इतने बूढ़े हो चुके हुए थे कि उनसे चला भी नहीं जाता था, तो हमें पढ़ाते होते थे एक्सरेज ना, तो हमें एक्सरे लेके बैठ जाना, उन्होंने कहना चलो इसकी CRT निकाल के दो। हमने ऊपर स्केल के साथ और लाइनें निकाल निकाल के एंगल निकालना होता था, और वो पुराने डॉक्टर थे, मतलब वो जिस तरह वो इन टेक्नोलॉजीज को नहीं, नई फोन यूज करना आता था, और अभी तक वो कुछ अरसे तक वो साइकिल पे आते थे, और अब जाकर उन्होंने बाइक ली, ठीक है। वो इतने सिंपल थे, इतने सिंपल थे, और कहते हैं कि जितने लाहौर के रेडियोलॉजिस्ट थे ना, उनके कदमों में बैठ जाते होते थे कि सर इतने हमारे लिए वो है। और वो एक दफा फातिमा मेमोरियल में हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे ना कुछ क्लासेस वो थोड़ा आगे करके एक नाला है, उन्होंने एक छोटा सा घर टाइप ले के ना, और नीचे दुकानें थी, और वो दो चार रूम्स के उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही, तो हमारी रूम्स ना वहाँ पे शिफ्ट किए। तो सर एक दफा पढ़ाने आया, सर को देखो ना, तो वो इतने सिंपल थे कि लगते ही नहीं थे कि वो एक टीचर हैं, या मतलब कोई वो कह सकते ना कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। शलवार कमीज पहन के उन्होंने शूज पहने, उन्हें बड़े बड़े से और ऐसे ज़ईफ़ होते थे, और वो मतलब चल रहे सर, वो कहीं अंदर आने लगे हमें पढ़ाने के लिए, और गार्ड को नहीं पता था कि टीचर है, उन्होंने उनके वो कह दिया कि वो बाबा किधर जा रहे हो, मतलब जिस तरह वो करते हो, ये को तो इंस्टीट्यूट है आप, मतलब लगते भी नहीं थे कि टीचर है, इस तरह साइकिल पे ले आते थे और साइकिल खड़ी करते थे, इतने बड़े रेडियोलॉजिस्ट थे वो। आज सारे रेडियोलॉजिस्ट जो थे ना, वो उनकी वजह से उन्होंने सब कुछ सिखाया सब कुछ, और डॉपलर आया और सारा कुछ जो है ना, तो वो नाराज हो गए, वो चले गए। हमने कहा सर नहीं आए, क्लास नहीं ली, और सारे सर आए नहीं, बाद में पता चला सर नाराज हो गए, और फिर हम पूरा कॉलेज जो था उनका, बड़े जितने थे उनको मना के लाए। लेकिन वो सर जो थे ना, वो बहुत इतने सिंपल थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत सिंपल, बहुत नाइस, और बहुत ही कहते हैं ना, जिस तरह आजकल के दौर में किसी के पास पैसा आ जाए तो बस भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं लोग, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद बहुत बहुत सिंपल थे। इस टाइम पे भी वो साइकिल पे आते थे, इतने बड़े रेडियोलॉजिस्ट होके भी। अच्छा, खैर मुझे इससे वो याद आ गया, क्योंकि हम लोग बहुत CRT एंगल्स बनाए थे हम लोगों ने उनकी क्लास में, वो जब आते थे एक्सरे की इतनी ज्यादा पूरी फिल्में उठा के, जहाँ पे जॉब करते थे जहाँ, वहाँ की ना पुरानी सारी फिल्में उठा के ले आते थे, और पूरी क्लास में दे देते थे एक एक एक्सरे, चलो CRT निकाल कर दो मुझे सब, तो हम लोग उसके साथ CRT निकालते होते थे। CRT क्या है, उसके अंदर जो कार्डिक एंगल और ये जो एंगल है ना, कार्डियोथोरेसिक रेशियो, CRT आगे में उसमें लिया हुआ, इसके अंदर ये कार्डिक थोरेसिक रेशियो CRT इसको कहते हैं, ये रेशियो लेनी होती थी कि हम लोगों को ये पता चलेगा कि कार्डियोमगैली है या नॉर्मल उसकी रेशियो है, या किसी की ड्यू टू किसी की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोई थोड़ा ओबीस होता है, कोई थोड़ा टॉलर होता है, किसी का हार्ट थोड़ा इस तरह होगा, किसी का लंग एक्सपेंडेड होगा, किसी का थोड़ा इलांगेटेड होगा, तो ये रेशियो निकालनी होती थी हम लोगों, ठीक है। तो रेशियो नॉर्मल में आ रही है तो वो ड्यू टू एनी केस जो है वो कोई, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है इसको प्रॉब्लम है, इसको हार्टी है, या फिर नजर इस तरह आ रहा है, कोई एक्सपेंड हुआ हुआ है, बट रेशियो निकालते थे वो नॉर्मल में ही आता था, तो वो रेशियो निकालनी होती थी। वो इसी तरह हार्ट को मेयर करके उसको CRT, कार्डियोमगैली जो है वो CRT एंगल के अंदर ही आती थी, 18/30, मतलब हार्ट की और लंग की जो है वो निकाल के ना उसको मेयर करके कि कितनी उसके कितने सेंटीमीटर है, उनको डिवाइड करके उसकी रेशियो निकालते, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोगों को ये जो हार्ट के अंदर 3 साइंस नजर आ रहे हैं, ये जो 1, 2 और 3, 2 का है, 2 नहीं है, ये है 2, 1, 2 एंड 3 एंड 4,
ये यहाँ पे साइंस ये क्या इंडिकेट करे, नंबर वन इज द साइन ऑफ पल्मोनरी वीनस एक्सपेंशन, नंबर टू साइन इज द इंटरस्टिशियल एडिमा एंड एयर स्पेस शेडोइंग, और लास्ट क्या है कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो फोर पे ये वाला, ये ब्लंट हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या है, आप बेसिकली डायग्नोसिस क्या है इसके अंदर, आपको कार्डियक मैगेली नजर आ रही है, ठीक है, हार्ट की वो कार्डियोमैगेली जिसे कहते हैं उसके में हार्ट जो है वो, उसकी क्या साइंस आई है, चार साइन आपने याद रखने हैं। नंबर वन इज नीचे से स्टार्ट कर लो, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, और उसके अंदर जो जो ब्लंट हुआ हुआ है कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो कि नॉर्मल हमें इस तरह नजर नहीं यू नजर आता है और यू नजर आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो एक साइड पे ब्लंट हुआ हुआ है और दिस इज ड्यू टू फ्लूड, उस जगह पे कोस्टोफ्रेनिक मार्जन है, ये यहाँ पे हमें फ्लूड नजर आ रहा है और वो एरिया ब्लंट नजर आएगा, और बाकी ये तीन चार साइन एडिमा नजर आएगा यहाँ पर पल्मोनरी वीनस एक्सपेंशन की वजह से। ये आप देख लो किस तरह हम लेते हो, तो देख कार्डिक का इधर से लेके यहाँ तक इसको मेयर करते थे कितना भी सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, व्हाटएवर, ठीक है, और फिर थॉरेक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे से इसको मेयर करना होता था, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके उसका रेशियो निकालते होते थे, वो जो है मोर देन 50% होना चाहिए, दैट मीन्स नॉर्मल, ठीक है। अच्छा फिर आगे हमारे पास रिब की, यहाँ फिर कितनी स्लाइड्स जाएगी, अभी नहीं होगी, अच्छा लास्ट जाएगी, ठीक है। अब लास्ट आ गई हमारी बोनी कोई एबनॉर्मेलिटी चेस्ट के अंदर, और बोनी एबनॉर्मेलिटी हमें पता है चेस्ट के अंदर क्या है, रिब्स ही है, रिब्स का फ्रैक्चर ही हो सकता है और क्या, बोन्स का इधर तो कोई इतना है नहीं कि क्या इस तरह की यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी नजर आए, तो ज्यादातर लंग्स के जो है ना ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट वॉल, ये मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हुए हैं इसके अंदर, और जो एरोज नजर आ रहे हैं ये थर्ड फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ रिब जो है ना वो फ्रैक्चर्ड हुई हुई है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप आपके पास नजर आएगा तो ये देखो यहाँ से व्हाइट नजर आ रहा है, ये डार्क, ये व्हाइट, ये बीच में सारी लाइन जो है ना डैट मीन ये फ्रैक्चर्ड है, ठीक है। तो फ्रैक्चर ज्यादातर जो है ना ज्यादातर ट्रॉमा की वजह से आते हैं, जो मैंने एमसीक्यू भी दिया था आपको, अगर पेशेंट को फ्रैक्चर नजर आ रहा है एक्सरे के ऊपर तो वो आता ही ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर है, और किसी वजह से वहां का रिब्स का फ्रैक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ये रेफरेंस है, अभी तो मैंने सिर्फ लंग्स की इसके अंदर डाली है, यहाँ से ही मैंने आपका सारा लेक्चर बनाया है, ये साइट बहुत अच्छी है, ये रेडियोलॉजी मास्टर क्लास है, इसके अंदर आप और भी, अभी सिर्फ मैंने चेस्ट एक्सरे को ही देखा था, इसके अंदर आप नी भी है और मस्कुलोस्केलेटल भी और भी जितने रीजन्स है ना आप इसको देखना, इसके अंदर बड़े क्लिनिकल जिस तरह साथ साथ पिक्चर्स बताई हुई हैं, एक्सप्लेन किया हुआ तो उसकी क्या अपेयरेंस होती है, क्या क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, ये तो चेस्ट की है, तो बाकी नी और बाकी चीजें भी आपके पढ़ने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है रेडियोलॉजी वालों के, तो रेडियोलॉजी मास्टर क्लास इसको देखना जाके, और इसके अंदर सारी आप ना कवर्ड हो जाएंगे एरियाज, ठीक। आज हमारी आखिरी क्लास थी, इंशाल्लाह आप नीट के बाद जो है फिर हम लोग प्रैक्टिकल जो और चीजें डिस्कस करेंगे, बट सिलेबस हमारा आज कम्प्लीट हो गया, ठीक है। ओके मैम, प्रैक्टिकल करना है या मैं क्लास स्किप कर दूं या कुछ भी होगा ना तो वो देख के एक दिन पहले आ जाना, मैं वहां पर अनाउंस कर दूंगी, अगर क्लास अगर कुछ भी ना मिला डेट मींस क्लास होगी, ठीक है, जो प्रॉपर जिस तरह क्लास होगी, अगर कुछ ना लिखा तो क्लास होगी, अगर कुछ और डिसाइड हो गया मेरा कुछ करना है प्रैक्टिकल करना है या वैसे नहीं कुछ पढ़ाना आप तो वैसे फ्री कर रहे हैं तो वो आप देख लेना, तो मैं उससे पहले आप डिसाइड कर दूंगी, वैसे ये थ्योरेटिकल सारा खत्म हो गया सिलेबस, ठीक है, तो प्रैक्टिकल करवाने तो हैं लेकिन मैं एक ही मतलब हफ्ता करवाऊंगी, दैट मीन्स दो क्लासेस ही आपकी प्रैक्टिकल होंगी, फिर मैंने असेसमेंट ले लिया आपकी उसकी ना, तो वो मेजर मेजर जो अभी तक काफी प्रैक्टिकल की क्लासेस पहले भी करवाई हैं जिन्होंने ली हैं उनको तो है पता आइडिया है, तो लेकिन अभी जो नहीं आ सके थे ऑन कैंपस है तो दो क्लासेस और होंगी, कोशिश करना मैक्सिमम सीख सको उसमें जो नहीं पहले आ सके, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैंने असेसमेंट देनी है बायोलॉजीज और हाँ टाइम होगा तो क्योंकि मैं कहती हूँ कि बस जल्दी जल्दी रैपिड जो है उसको थोड़ा एक दफा रिवाइज, तो हर चीज को मैं दोबारा करती होती हूँ तो फिर आगे, लेकिन उस तरह नहीं होगा सर डिटेल में था एक दफा रिविजन करके नेक्स्ट हम लोग टाइम बहुत शॉर्ट होगा, हम लोगों ने शायद अपने क्लास के टाइम के लिए प्रैक्टिकल किया था, उसी कोशिश करना जरूर आओ, दो ही क्लासेज होनी है एक हफ्ता और आगे फिर असेसमेंट, उन दो क्लास समझो फ्राइडे और उससे अगला जो हफ्ता होगा उसमें फिर करवाएगा और उसके साथ ही जो है ना असेसमेंट भी रख दूंगी, ठीक है, एक हफ्ते का ही टाइम होगा, अगला पूरा हफ्ता छोड़ के मतलब जो फ्राइडे उससे अगला हफ्ता छोड़ के जो अगला हफ्ता शुरू होगा ना ट्यूजडे उसमें वाइवा की डेट रख दो, तो आपके पास पूरे होगा टाइम वाइवा के लिए,
सारा ही होगा। अब क्या रह गया? मैंने आप लोगों को पेपर चेक किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैमो के सारे पेपर चेक हो गए, कल ही चेक किए, और मैं मार्क्स देख के ना, जो अच्छे बच्चे हैं वो मुश्किल से पास हुए, अंदाजा लगा लो कि बाकियों का क्या। इतना मुश्किल पेपर नहीं था जितना तुम लोगों ने समझा है कि इसको बहुत मुश्किल पेपर है। हर चीज तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट तो नहीं आती है कि वहां से स्लाइड से उठ के, थोड़ा सा तो उसको मैं समझने की कोशिश करो क्या कह क्या रहा है। नहीं समझ आ रहा तो कुछ लिख दो। वो किसी ने तो वो बायरेट्स वाला जो क्वेश्चन था, अल्लाह मैं कहूँ, मैंने दे क्यों दिया, वो 6 की 6 बायरेट्स लिखी हुई है। अच्छा फिर भी मैंने वो 1 नंबर का था वो था बायरेट 2 आंसर उसका, ठीक है। आपको पता है कैल्सिफिकेशंस, आपने जो टिपिकली बिनाइन की कैल्सिफिकेशंस थी, वो टिपिकल बिनाइन, और टिपिकल बिनाइन हमारे पास कौन सा बायरेट होता है? 2 ही होता है। 3 तो वो वाला होता है जिसमें आपने आगे लिखा होता है फॉलो अप सजेस्टेड के वो बिनाइन लग रहा है तो लेकिन जो है ना फॉलो अप पे उसको रखा जाए। लेकिन ये तो कैल्सिफिकेशन है टिपिकली बिनाइन की, तो बायरेट 2 है ये तो, ठीक है। बायरेट 2 उसका आंसर था, लेकिन फिर भी मुझे काफी लोगों ने जो उसका वो लिखा हुआ है ना कि प्रोबेबली बिनाइन कैटेगरी 3, यूं लिखा हुआ है किसी ने, बहुत से लोगों ने लिखा हुआ है कि कैटेगरी 3 आगे प्रोबेबली बिनाइन। चलो मैंने कहा उनको बिनाइन की तो समझ आ रही है ना, बिनाइन कैटेगरी, उनको मैंने 0.5 जरूर नंबर दिया सबको, ठीक है, कि मतलब चलो बिनाइन तो लिखा है ना, ठीक है। जहाज रिव्यू होगा, हाँ इनके बाद कल आना वो छोड़ दो, वो किस तरह की कैल्सिफिकेशन है। टिपिकली आपको बिनाइन है, टिपिकली मलेग्नेंट नजर आ रही है ना, तो वो तो कॉल करेंगे 2 के अंदर या फिर 5 के अंदर। 5 इज मलेग्नेंट, 4 भी नहीं, 4 जो है ना उसके अंदर बायोप्सी रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तो और 5 और 6 के अंदर बायोप्सी प्रूवन जो मलेग्नेंसी है। कुछ जो टिपिकली बिनाइन है, टिपिकली मलेग्नेंट है, उनको बस आप देख लो, जो बाकी है ना वो फिर हम 3 में भी आ सकता है, वो 4 में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो फॉलो अप पे भी फिर रखते हैं, कोई बायोप्सी के बाद पता चलता है, तो वो जो जिनमें प्रॉब्लम आ रही है फॉलो अप वाले, वो उनमें फिर आप छोड़ दो। टिपिकली तो आपको पता होना कि क्या चीज़ है। मैं अगर कल आपको मतलब फाइनल पेपर में दे देती है मिक्स क्लासिफिकेशन से, तो फॉलो अप पे रखो, ठीक है, उसको फॉलो अप पे रखो कि अभी हम क्लियर नहीं, ठीक है। जिसके अंदर क्लियर है वो तो है ही बिनाइन, तो फिर उसको फॉलो अप पे क्यों रखो, वो ज्यादातर ने इसी तरह लिखा हुआ है कैटेगरी 3 प्रोबेबली बिनाइन। तो बिनाइन चलो मैंने कहा समझ आई है, उनको बिनाइन है ये, उसने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ी है ये वाली तो। और एक बच्चे ने तो कौन था तो नाम नहीं याद आ रहा, उसने तो उसने बायरेट 6 के 6 लिखे, वैसे तो सबने लिखे, लेकिन 6 को ऊपर से स्टार्ट किया होगा, 0 को मलिग्नेंट, ठीक है, उसके बाद जो है प्रोबेबली, फिर उसके बाद बायोप्सी प्रूवन मलिग्नेंट, मतलब 6ठा वाला जो है ना वो उसका नेगेटिव है, और 4 जो है ना लिखा जरूर है लेकिन उसकी काउंटिंग भी हुई। अच्छा और एक शहजादी कौन थे, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, बायरेट्स को 1, 2, 3 होता है, बायरेट आंसर लिखा हुआ है कैटेगरी बी। अब बी कैटेगरी कौन सी होती है? अब मुझे, मैं उसको कहूँ नंबर दूँ कि ना दूंगे, मतलब अगर चलो अगर मैं उस तरह ही कंसिडर कर लूँ कि चलो उसने ए या बी 2 उस तरह कंसिडर, लेकिन 2 फिर भी नहीं बनता, 0, 1, 2, 0 भी एक है और जो बी बनेगा वो 1 बनेगा, ठीक है, अगर उसने बी इस तरह में लिखा है। फिर मैंने कहा यार इसका तो अभी कैटेगरी 1, 2, 3 का ही नहीं पता, ये बी लिखेगा तो लोगों ने तो जिस रिपोर्ट के ऊपर तो गलत है, कैटेगरी बी लिखा हुआ है, व्हाट इज बी। मैंने कहा चलो अगर 2 समझ के लिखा है लेकिन 2 फिर भी नहीं बनता, 0, 1, 2, ठीक है, 0 पहली कैटेगरी होती है। 40 में से मेरा ख्याल 32.5 या 32, बस वो 2 या 3 बच्चों में, बस बाकी सारे कुछ मुश्किल से पास हुए हैं, 21, 22। और एक बेचारा तो फिर 19 पे, बेचारा या बेचारी 19 पे, उसको तो मैं नंबर भी नहीं दे सकती क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं। अब एमसीक्यू में तो खुद से तो नहीं बनता, चलो मैं एमसीक्यू जब देती होती तो मैं हमेशा कहती हूँ चलो 1-2 नंबर कहीं से मिल जाए, या उसने कुछ लिखा है, मैं इसलिए कहती हूँ कि आपको ड्यूरिंग कर दो, प्लीज छोड़ना मत, कुछ ना कुछ लिख लो, कोई समझ आ रहा है
तो कोई आइडिया जिस तरह बिनायन का जिस तरह था मैंने 50.5 सबको दे ही दिए कुछ तो उनका फायदा हो जाता है ऐसे उसका के वहां से नंबर मिल जाते हैं आपको। लेकिन कुछ लिखो जहाँ पे फेल हो रहे होगे तो मैं मिला मिलोगे 0.51 मिला के जिस तरह उसके 19 मार्क है एक दो 19 पे भी है तो वो 20 वाला पास है तो वो अब एक नंबर से फाइनल में मेहनत करना प्लीज। ठीक है पता चल गया पेपर किस तरह का आता है तो कोशिश करना पेपर ठीक है। अच्छा जिशान का अच्छा पेपर है तुम्हारा मेरे ख्याल 32 है तुम्हारे मार्क्स 32 या 32 पर मेरे हमारे भी इतने ही है करीब है 32 मतलब जो है ना इनके इससे ज्यादा किसी के भी नहीं है 32 या 32.5 हाईएस्ट है इसी के इन्हीं में ही जिशान तुम्हारा सामिया का भी शायद इतना ही है और इसी के करीब करीब ही है यहाँ एक एक नंबर ऊपर नीचे ही है 32 आई थिंक 32.5 है या 32 में से और यही हाईएस्ट है मेरे ख्याल इतने दो तीन बच्चों के हैं इतने मार्क्स ना बाकी मोस्टली 20s में है 21 25 24 24 इस तरह के हैं 21 बहुत सारे हैं बेचारे एक नंबर और 20 वाले भी बहुत हैं मतलब शुक्र है पास हो गए। चलो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मेहनत करो और फिर अच्छे अच्छे नंबर ले लेना अपने ग्रेड ठीक है। ये मैम कौन? हाँ जी मोहम्मद अहमद सलाम वालेकुम मैम मैम मेरे मार्क्स कितने हैं? तुम्हारे भी अच्छे हैं नंबर लगता नहीं था तुम अच्छे नंबर ले लोगे 3.5 GPA मैंने आपको पहले भी बताया था। तुम्हारे 31 है या 32 तुम्हारे भी है इसके लिए अच्छा मैं शौकत खाना लगता नहीं था कि तुम इतना अच्छा पेपर दे रहे मैम आप उम्मीद अच्छी रखें इंशाल्लाह हम आपको चलो वाइवा में मैं इतना मुश्किल पेपर मैंने कहा लगता है गया है रीजनल का मुश्किल निशान था रीजनल की आज की बनानी है मैंने आज चेक कर आज ही कल में उसके भी चेक करके तो इस वीकेंड ईद से पहले पहले मेरा है कि वीकेंड पे सारे चेक कर लूंगी फिर बाकी अभी तक मैंने असाइनमेंट्स भी नहीं देखी हैं वो भी और इस जो अब सिलेबस कंप्लीट हो गया ना सारी असेसमेंट्स लगाना शुरू कर दूंगी अब आपके असेस क्या क्या था क्विज के भी लगने हैं अभी आप क्विज है और उसके बाद मैंने आपको बताया था जिस जिसका क्विज रहता है प्लीज सर से एक दफा अप्रूव करवा के जब मैंने वादा लेना है उसमें साथ में दे दो तो बच जाओगे 5% वो भी मिल जाएंगे तो किसी तरह एक दो क्वेश्चन चलो दो पूरे 5 नहीं तो 2-3% तो मिल ही जाएगा तो वो आप सर से अप्रूवल ले के अहमद का भी रहता है मेरा ख्याल जिस जिसका रहता है कोई एक जिसकी भी कोई रीजन थी वैलिड रीजन के साथ सर से अप्रूव करा लो फिर मुझे वो दे दो और मैं फिर ले लूंगी दोबारा से अदरवाइज 0 ताकि मैं अब लगाना शुरू करूँ मार्क्स आपके अंदर अभी तक मैंने किसी को ही नहीं लगाया ठीक है। अच्छा चले ईद के बाद मिलते हैं एडवांस में आप सबको ईद मुबारक मैम और आपको ईद मुबारक बहुत शोर संभाल कर रखना ईद के बाद बारबेक्यू करेंगे ठीक है हो गया तो यहीं ले आना मसाला सारा लगा के यहीं पे सीखे सीखे चढ़ाएंगे और यहीं पे करेंगे। देखो किसी ने छोटा सा बकरा भी लगाया इसकी डिग्री है बकरे शकरे ले लिए ले यस मैम लिए चलो फिर एंजॉय करो ईद को और पेपर रिव्यू करवाएंगे इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछनी थी मैंने अल्लाह हाफिज पोस्टर कंपटीशन को बताया था ना कि वो हाँ। अल्लाह हाफिज मैम एक मिनट बेटा मैं बल्कि आपको पोस्टर कंपटीशन का मैंने आपको बताना था कि ईद के बाद आप लोगों का एक वेबिनार है और एक 3 डे की वर्कशॉप है वो 3 डे की वर्कशॉप जो है वो मैंने बताया था कि पहले सोचा था कि वो उसके अंदर ही जूम मीटिंग हम लोग रख लें जो हमारे आउटसाइडर्स हैं उनके साथ लेकिन डॉक्टर उज्मा कह रही है उसको सेपरेट रखें वो एज अ वेबिनार करें क्योंकि वो ऑनलाइन ही है सारा तो और जो उनका 3 डे वर्कशॉप होगी उसमें हम रेडियोलॉजिस्ट को फर्स्ट डे कॉल करें कुछ और जो है सेकंड डे को हैंड जॉन वो ट्रेनिंग करवाएं या खुद हम लोग हैंड जॉन करें थर्ड डे आप लोगों के पोस्टर कंपटीशन का डॉक्टर उज्मा ने सजेस्ट किया था कि 10 टोटल हमारे पास पोस्टर्स होने चाहिए 10। अब 10 में जो है 5-5 का ग्रुप बना लो जो भी है इंटरेस्टेड है वो पोस्टर्स प्रॉपर बना के उसको एक जिस तरह बनाते हैं ना फ्लेक्स बनते हैं
उस तरह के बनते हैं बड़े बड़े से पोस्टर, जिस तरह के तो प्रिंट करवाना पड़ता है फ्लेक्सिस को, वो दीवार पे सारे लटके, तो फिर हम लोग जो है उनको देख के मार्क्स जो है जिसका सबसे अच्छा होगा, जिसने टॉपिक अच्छा लिया होगा, तो वो जो है ना फिर हम लोग उसको मार्किंग करके फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइज रखेंगे, और सर्टिफिकेशन सबके लिए होंगी वो जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। बाकी आप लोग जो भी, बल्कि मेरे पास आना भी ईद के बाद, जो भी अगर आप लोगों के भी जहन में कोई आइडिया है कि किस तरह हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, पिछली बार करवाया था तो बिल्कुल बस 1 घंटे का था, मशीन मंगवाई थी हमने कंपनी से और एक लेक्चर रख के, और फिर उसके बाद हैंड्स ऑन ही कराया था। तो इस बार थोड़ा वेबिनार भी साथ इंक्लूड करेंगे कि आप लोगों को अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और थोड़ा सा ये कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट हो कि कोई जिस तरह आगे जाके आप लोग RSP वगैरह में जाओगे ना, तो वहाँ पे पोस्टर कम्पिटिशन होते हैं, पूरा रूम एक ऑल ही पोस्टर से पोस्टर्स लगे होते हैं, फिर वहां से सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, और जो है ना इस तरह बच्चे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो 10 पोस्टर्स वही ना, उनमें से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हर एक का तो नहीं होगा ना, तो 10 जो होंगे, 10 जिनको फिर सर्टिफिकेशन, उन 10 मतलब 5 5 का ग्रुप, तो लेकिन हर एक का एक्सेप्ट नहीं होगा, जो 10 होंगे ना 10 एक्सेप्ट होंगे फॉर कंपटीशन, और उस 10 में से जो है फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइज होगी, और बाकी सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कि उन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया। पहले जितने भी हैं वो अप्रूवल के लिए अप्रूव करके, यहाँ पे जो अच्छे होंगे बस वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फ्लेक्स ये होते ही ऐसे हम फ्लेक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा फ्लेक्स नहीं होता, मतलब समझ लो लंबा लंबा सा होता है, और इस तरह लंबा लंबा चौड़ाई में नहीं होता, ये लंबा होता है करके, इसको देखे होंगे कभी आप लोगों ने, नहीं देखे होंगे कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया करो, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया करो, रेडियोलॉजी की प्लीज कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, लाहौर में भी तो जरूर करना, अगर इस्लामाबाद मंडी साइड पर भी हुई तो चले जाना, कोई नहीं है तो 4 घंटे का ही है शाम में, तो वो जाके देखना। तो ये रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी होती है 3 दिन की, वो तो कोविड की वजह से पिछली बार नहीं इतने मजे की हुई, लेकिन हर साल मैं तो अटेंड करती हूँ, मैंने कराची वाली भी की है, लाहौर वाली भी की है, कोयटा वाली नहीं की थी क्योंकि वो हर रीजन में हर साल चली जाती है, तो अगर पंजाब में आती है तो फिर लाहौर में आती होती है, और पूरा इसी होटल जो है ना वो रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस से, हर हॉल जो इनके पास होता है, हर हॉल मतलब ये क्रिस्टल हॉल में ये हो रहा है, ये हॉल में ये हो रहा है, बाहर बूथ लगे होते हैं, फिर लास्ट डे जो 3rd डे होता है जैसे माइंड अप सारा कर रहे हैं, तो उन दिन कॉन्सर्ट होता है बहुत बड़ा, उसमें सारे ये आते हैं, कुछ सिंगर्स वगैरह बुलाए होते हैं, कुछ LC के स्टूडेंट्स आके डांसिंग सांसिंग भी हो रही होती है, मतलब अच्छा है, मतलब है, लास्ट डे उनका एक एंजॉयमेंट का डे होता है, कि वो 3 डे की वो करके ना, तो जरूर इसको अटेंड करना जहाँ पे भी हुई ना, कोशिश करो पता करो, मैं भी पूछती हूँ इस दफा कहाँ हो रही है, जरूर अटेंड करना, वहाँ भी होते हैं एक हॉल में सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वहाँ पे आ जाके फिर मार्क्स देते हैं कि कौन किस किसी किसी हॉस्पिटल का होता है, कोई डॉक्टर किस हॉस्पिटल का होता है, फिर उनको प्राइजेस मिलते हैं, उनको तो अच्छे अच्छे मतलब मिलते हैं ना, यहाँ पे तो फिर कोई तब शब्द दे देंगे छोटा सा लेकिन एक अचीवमेंट तो है ना, वो तो आप लोगों का है कि आपको पोस्टर्स बनाने आते हैं, ठीक है। तो वो होता है साइनोप्सिस टाइप है, जिस तरह आपका थीसिस होता है ना, थीसिस तो पूरी बुक पब्लिश कराते हैं, ये साइनोप्सिस होता है, साइनोप्सिस जो है ना समझो समरी होती है कि आपका एक रिसर्च है या कोई पोस्टर है, तो उसके ऊपर अच्छी सी कोई प्रिपरेशन करके ना उसको फ्लेक्स की तरह उसको बनाओ, ठीक है। फिर पहले बना सॉफ्ट कॉपी में उसको डिजाइन कर लो, दिखा दो, फिर उसके बाद उसको पब्लिश करा दो, ठीक है। तो जो जिन जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मुझे ग्रुप में मतलब 5 का ग्रुप है, तो वो मुझे बता दें कि ये हम 5 लोग हैं और ये हमारा एक एक ग्रुप ये है, तो मुझे एटलीस्ट ग्रुप्स का बताओ कि कितने ग्रुप्स हैं। मेल नहीं करूँ, लिख के दे दो, एक एक पेज का एक एक ग्रुप, ठीक है। और आगे जरूर लिखना अपना कौन से उसके हो, मेमो के हो, रीजनल के हो, या जिसके भी हो स्टूडेंट ना, ताकि पता चले हमें कि ये ना हो कि हम डिफरेंट लें, हम शायद सीनियर्स को भी इन्वॉल्व करें जो हो चुके हैं, मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, उनको भी करें इन्वॉल्व। तो ये भी एक कंपटीशन है जिसका अप्रूव वो एक्सेप्ट हो गया, वो भी एक अचीवमेंट है, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं होते, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट हो गया और उसके बाद उसमें से प्राइज लेना, तो बिग अचीवमेंट, ठीक है। बाकी फिर इसके ऊपर मैं करती हूँ, और किसी के पास आइडिया हो तो मुझे मेल कर दे, या मतलब अब तो बाद में कि हम मैम ये भी कर सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, हम ये भी कर सकते हैं, तो उसको अच्छा सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके बेटा, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।